दिखाना चाहूंगी। दूर तक आप जहां भी देखेंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, हाथों में आम आदमी पार्टी के झंडे लिए और साथ में तिरंगा लिए। आप देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम जो है इस बार जींद में उमड़ा है, क्योंकि आगे चुनाव होने वाली है। तो आगाज जो है इसे कह सकते हैं कि आज आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनाव का किया जा रहा है। हमारे साथ पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ढांडा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ढांडा जी, क्या तैयारियां की गई हैं, लोगों का हुजूम देखकर क्या लग रहा है? देखिए, ये तो आप बताइए, लोगों का हुजूम देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि 2024 में सरकार बदल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। जींद से शुरुआत कर रहे हैं इस अभियान की 2024 के, क्योंकि जींद का किसी ने विकास नहीं किया, किसी ने भला नहीं किया। कांग्रेस 25 साल राज कर गई, 9 साल से ये बीजेपी राज कर रही है, बाकी पार्टियां भी आई और गई, जींद का किसी ने भला नहीं किया। हम करेंगे जींद का भला, क्योंकि भगवंत मान जी का पुराना डिस्ट्रिक्ट है ये, संगरूर जिला होता था जो ज्वाइंट पंजाब हरियाणा होता था, और अरविंद केजरीवाल जी का तो घर है हरियाणा। तो मुझे लगता है जींद का भला अगर कोई पार्टी कर सकती है, आम आदमी पार्टी कर सकती है, वो हम करके दिखाएंगे। जानना चाहेंगे कि आज जब शुरुआत हो रही है, माने कि हरियाणा चुनाव की शुरुआत है, आज केजरीवाल जी पहुंचे हैं, और किस किस इवेंट में आगे क्या कुछ प्लान रहेगा पहुंचने का? देखिए, लगातार अब हरियाणा के लोगों के बीच में आते रहेंगे अरविंद केजरीवाल जी, लगातार इवेंट्स होते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये अब एक शुरुआत थी सिर्फ, और आज यहाँ जो हुजूम दिख रहा है आपको जींद के अंदर, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को यह एहसास हो जाएगा कि बहुत मजबूत तरीके से आम आदमी पार्टी 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी अब एक बड़ी ताकत विपक्ष के रूप में हरियाणा में मौजूद है, सरकार को नाकों चने चबवाएंगे। हरियाणा का पड़ोसी राज्य है पंजाब, जो कि फतह किया इस बार आम आदमी पार्टी ने, एक बड़ा मैंडेट, 92 सीटें जो पंजाब में मिली, और भगवंत मान भी यहां पर आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि पंजाब के तट पर हरियाणा का विकास किया जाएगा, आईना जो है हरियाणा की जनता समझेगी? देखिए, हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में कैसे विकास हो रहा है, पंजाब में कैसे विकास हो रहा है। हरियाणा के लोगों को लग रहा है हम ही क्यों पीछे रह जाएं, हमको भी ये विकास चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि हरियाणा के लोग बहुत समझदार हैं, पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं। इस बार वो अच्छा ऑप्शन आम आदमी पार्टी चुनने जा रहे हैं। इनमें जितनी ताकत हो, ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं 24 घंटे बिजली नहीं दे सकते। ये मुख्यमंत्री जी एक ताऊ को कह रहे थे स्टेज पे कि 12 घंटे नहीं मिलेगी बिजली। मैं आज यहाँ कह रहा हूँ, इस तिरंगा यात्रा में 24 घंटे बिजली मिलेगी एक साल बाद, और फ्री भी मिलेगी हरियाणा के लोगों को। खट्टर साहब में जितनी ताकत हो उतने लगा लें, हम रुकने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल मैं आपसे लूंगी कि हरियाणा में भी जिस तरह पंजाब में गारंटियां दी गई थी, वैसे गारंटियां दी जाएंगी या वादे? आम आदमी पार्टी वादे नहीं किया करती, आम आदमी पार्टी गारंटी देती है। केजरीवाल जी के मुंह से जो निकला वो गारंटी है, पत्थर की लकीर है, हो के रहेगा। हरियाणा में भी बिजली फ्री करेंगे, हरियाणा में भी शानदार स्कूल बनाएंगे, हरियाणा में भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, हरियाणा के युवाओं को भी रोजगार देंगे, खूब विकास करेंगे हरियाणा का। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अनुराग ढांडा जी, तो आपने सुना, उनका कहना है कि अब जींद से जो है बिगुल बजा है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव का बिगुल यहाँ से बजाया है, और अरविंद केजरीवाल आज यहाँ पर पहुंचे जरूर है, साथ ही भगवंत मान जी वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह पंजाब में गारंटियां दी